अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मैक बेस शेयर करूंगी। ये जो बेस है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली बेस है, ये जो बेस है काफ़ी अफोर्डेबल बेस है, और किस तरह की है आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे पास मैक की बेस है और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। ये काफ़ी ग्रीसी सी होती है, ऊपर से आप देख सकते हैं यानी कि इस पे ऑयल सा होता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद बिल्कुल भी ऑयल फील नहीं होता। आप इसको ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है, इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा होता है, लेकिन जब आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि इस पे ऑयल है। अच्छी तरह से आपकी स्किन पे ये लग जाता है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। ये जो मैक की बेस है काफ़ी ही ज़्यादा यूज़ होने वाली बेस है, हर कोई इसको यूज़ करता है। पार्टी मेकअप भी इससे करते हैं, सॉफ्ट मेकअप भी करते हैं, हर मेकअप के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो ये शेड है FS38 है, और इसमें डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, यानी इसमें आइवरी होता है, F1 होता है, 45 होता है, 38 एंड 36 नंबर होता है। सो ये जो मैक की बेस है आप अपनी स्किन के हिसाब से बाय कर सकते हैं, जो आपकी स्किन पे सूटेबल हो वो आप बाय कर लें। एंड इसकी मार्केट में प्राइस 450 to 500 है, इजीली आपको ये मार्केट से मिल जाती है। सो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने फेस पे प्राइमर लगा लें अच्छी तरह से, उसके बाद इस बेस को आप अप्लाई करेंगे। स्पंज की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड वेट स्पंज की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको लगाना है इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर आप जब भी कोई सी भी बेस अप्लाई करें तो टैप करके लगाया करें, अगर आपकी टैपिंग अच्छी होगी तो आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है और रिजल्ट भी सेट रहता है। सो बेस अप्लाई करने के बाद फिर कोई सा भी आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लें, या फिर अगर आप लूज पाउडर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ कर लें। सो इस तरह से आपकी जो बेस है काफ़ी अच्छी रहती है, फ्लॉलेस सी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो व्यूअर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।